الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلى الله تعالى على النبي وعلى آله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة العالمين بزرگو عزیز اور دوستو بھائیو اور بہنو آج کی رات بڑی مقدس ہے بڑی مبارک ہے کہ ایک ولی کامل کا خوش اور ولی کامل کی مجلس میں شرکت کا ہم سب کو موقع مل رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ آج کی مبارک مجلس میں آپ کے سامنے خانقاہی انداز میں بات کریں اسپریچول سینٹر بعض کی باتیں بہت ہوئی اور بعض الحمدللہ ہوتے رہتے ہیں لیکن چونکہ میں آپ سے قادری خانقاہ میں بیٹھا ہوا مخاطب ہوں اور سنی رضوی سینٹر سنی رضوی مرکز کے اس ایوان میں آپ سے کچھ عرض کر رہا ہوں اس لیے دل چاہتا ہے کہ آج صحبت کے موضوع پر کمپنی اور کمپینین شپ پر کچھ آپ سے گفتگو کروں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں لے دے کر کے جو چیز سب سے اہم ہے وہ ہے کمپنی اور کمپینین شپ کمپنی کے بغیر میرے دوستو بات بنتی نہیں کام بنتا نہیں بات اگر بنانی ہے تو کسی کی صحبت اختیار کرو کام اگر مکمل کرنا ہے تو کسی کے دامن کو تھام لو اس کے بغیر جو کچھ ہوگا شو ہوگا تماشا ہوگا ایکٹنگ ہوگی ریاکاری ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا اور کچھ بھی نہیں آپ کی خدمت میں میں ایک مثال پیش کروں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آئرن لوہا ایک مٹیریل ہے گولڈن ایک مٹیریل ہے براس تانبا ایک مٹیریل ہے اور یہ ساری چیزیں اگر بچوں کے ہاتھوں میں یہ چیزیں چلی جائیں لوہا اگر بچوں کے ہاتھ میں آ جائے سونا اور چاندی اگر کسی نااہل کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر وہ یوز لیس ہوگا میں آپ کے سامنے سیزر اور قینچی اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کہیں گے یہ قینچی ہے اگر سوٹ تلوار آپ کے سامنے میں کر دوں تو آپ کہیں گے یہ تلوار ہے لوہے سے جتنی چیزیں بنائی جاتی ہیں
कैंची को आप कभी ये नहीं कहेंगे कि कैंची है। लोहे की बड़ी बड़ी, तांबे की बड़ी बड़ी देरें और लोहे के जो सामान बनते हैं, आप ये नहीं कहेंगे कि ये आयरन है। उसका सबब क्या है? गले में नेकलेस पहन लीजिए, उसका नाम होगा नेकलेस, गले का हार। कानों में कोई चीज अगर औरत पहन ले तो उसका कुछ और नाम होगा। उंगली में अगर वो पहन ली जाए तो उसका नाम अंगूठी होगा। अगर यहां कुछ और पहन लिया जाए तो उसका कंगन, और इसके अलावा कुछ और नाम दे दिया जाएगा। बताना ये है कि आखिर ये सारे नाम क्यों है? ये क्यों नहीं कह दिया जाता कि ये गोल्डन है? ये क्यों कह दिया जाता कि ये सिल्वर है? ये क्यों नहीं कहा जाता कि ये लोहा है? कभी हम उसको तलवार कह रहे हैं, कभी हम उसको कैंची कह रहे हैं, कभी हम उसको नाइफ कह रहे हैं, कभी हम उसको चाकू कह रहे हैं। ये नामों की तब्दीली क्यों है? आप समझ रहे हैं क्या कहने वाला हूं? बताना ये है कि मेरे दोस्तों, लोहा उस वक्त तक यकीनन लोहा था और नाइफ बनने के बाद भी वो लोहा ही है। लेकिन फर्क ये है कि नाइफ से पहले, चाकू और छुरी से पहले वो लोहा किसी सांचे में नहीं ठहरा था, किसी फ्रेम में नहीं ठहरा था, किसी कारीगर के हाथ में वो नहीं आया था। जब कारीगर के हाथ में आ गया, उसको फ्रेम में ढाल दिया गया, सांचे में ढाल दिया गया, तो लोहा मेरे दोस्तों है तो वो लोहा ही है, लेकिन उसका नाम चाकू हो गया, छुरी हो गया, कैंची हो गया। जब सर्राफ के हाथ में, गोल्डस्मिथ के हाथ में जब आया तो उस वक्त तो वो सोना ही था, लेकिन जब उसके हाथ में आया, जब उसने अपनी कारीगरी दिखाई, जब उसने अपना फन दिखाया, जब उसने उसको सांचे में ढाला, तो अब वो जेवर बन गया, अब वो कंगन बन गया, अब वो हार बन गया। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरा और तुम्हारा भी यही हाल है। समझ रहे हैं आप ये मैं क्या कह रहा हूं? सारी तकरीरों को एक तरफ रखो, लेकिन जो कुछ मैं अर्ज कर रहा हूं ये बिल्कुल खामखा ही बात अर्ज कर रहा हूं। जानते हो, ये जो 3.5 हाथ का आदमी तुमको चलता फिरता नजर आ रहा है, अगर आज इसको कब्र में डाल दिया जाए तो 24 घंटे के अंदर जो कुछ होगा आपको पता है क्या होगा? आज हमें अपनी बीटी पर बड़ा नाम है, सुभानअल्लाह, हम बड़े खूबसूरत है, ये है वो है, ये वो सारी खूबसूरती वहां खत्म हो जाए। 24 घंटे के अंदर मेरे दोस्त ढांचा जो है वो बदल जाएगा, ना रंग रहेगा, ना रूप रहेगा, ना कलर रहेगा, गोश्त और पोस्त का इंसान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इस गोश्त और पोस्त को किसी सांचे में ढाल दो, गोश्त और पोस्त को किसी फ्रेम में ढाल दो, गोश्त और पोस्त को किसी सोबत में ढाल दो। आखिर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो लोग आने वाले थे, क्या आप ये कह सकते थे कि ये मक्के वाले और मदीने वाले ईमान लाने से पहले ये लोग कोई आबिद जाहिद थे या कहीं ये इबादत किया करते थे? जी नहीं, उनके अंदर तमाम बुराइयां थी, तमाम खराबियां थी, लेकिन सलाम हो अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जाते गिरामी पर, कि जब वो आपकी सोहबत में पहुंचे तो मेरे दोस्तों फिर उन पर रंग चढ़ गया नबूवत का, रंग चढ़ गया रिसालत की सोहबत का, रंग चढ़ गया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फैगाम का। दुनिया ने हजरत अबू बकर को देखा तो सिद्दीक कहकर दुनिया पुकार उठी, उमर को देखा तो फारूक आजम कहकर सदाएं बुलंद हुई, उस्मान गनी पर नजर की तो गनी कहकर कायनात ने उन्हें आवाज दी, और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखा तो करम अल्लाह तआला वजहू और शेर खुदा कहकर कायनात ने उन्हें पुकारा। तो ये सारा रंग कहां से आया मेरे दोस्तों? बात है सारी सोहबत, सोहबते सालेह तोरा सालेह कुनद, और सोहबते पालेह तोरा पालेह कुनद। नेकों की सोहबत में रहोगे तो इंशाअल्लाह नेक बन जाओ,
और अगर बुरी सोहबत मैसर आ गई, अगर बुरी सोहबत में गए तो फिर उसका अंजाम भी वैसा ही होगा। आपको अच्छी तरह मालूम है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप अगर किसी लोहार की भट्टी पर अगर आपका गुजर हो या कोल मर्चेंट जहां कोयला सेल होता है वहां आप चले जाएं, तो लोहार की भट्टी पर जब आपका गुजर होगा तो वहां मेरे दोस्तों अगर कुछ भी ना हो तो कम से कम ये जरूर होगा कि वहां की बदबू, वहां की क्लाइमेट, फिर ब्लैकनेस, अगर साफ कपड़े आपके तो कपड़ा खराब हो सकता है। अगर कोयले की दुकान में आप जाएंगे तो वहां पर भी मेरे दोस्तों साफ कपड़े हैं तो उसमें इम्कान है कि धब्बा पड़ जाए। कोयला, कोल और भट्टी, यहां से आपको ब्लैकनेस मिलेगा, तारीकी मिलेगी, सियाही मिलेगी। लेकिन अगर किसी परफ्यूम इत्र बेचने वाले अद्दाल की दुकान में आप चले जाएं, ये जरूरी नहीं कि आप वहां जाकर खरीदें, खरीदने तो बड़ी बात है, लेकिन अगर खरीदेंगे नहीं तो फिर भी अद्दाल की दुकान में अगर कुछ आपको न मिला तो खुशबू मिलेगी। खुशबू क्यों मिलेगी कि अत्तार की दुकान में आप चले गए, थोड़ी सी सोहबत मैसर आ गई। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, सारा निजाम सरकारी तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाति गिरामी पर बेशुमार दुरूद सलाम हो, लेकिन अर्ज ये कर रहा हूं कि सारा निजाम कादरी चिश्ती नक्शबंदी सुहरवर्दी ईदरूसी और शादरी और आप जितने नाम दे रहे, सारा ये जो निजाम है खानकाही, इसमें एक ही बात है और वो है कंपनी सोहबत। और सोहबत कैसे आप जानते हैं? सोहबत का मतलब क्या है, कंपनी का मतलब क्या है, खूब याद रखें। ये दावा करना कि मैं फना का मुरीद हूं बहुत आसान है, सारे लोग मुरीद हैं साहब, जिसे देखो वो यही कहता कि मैं फना का मुरीद, ठीक है भाई आप मुरीद हैं, लेकिन याद रखो अल्लाह 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 वालों की क्या शान है। मेरे दोस्तों, आपने कभी सुना होगा, कभी आपके ख्याल में ये आया कि स्लेव बॉय किसी का गुलाम हो और वो ये कहे कि मैं गुलाम नहीं हूं, स्लेव लेडी किसी की बांदी हो और वो ये कहे मैं उसकी बांदी नहीं हूं, कोई सर्वेंट ये इनकार कर दे कि फला आदमी मेरा बॉस नहीं है।